लकड़ और चूल्हा चलता था, आम बंदा गरीब बंदा वही चलाएगा। लगता चूल्हे के दिन वापस आ गए, चूल्हे के दिन 100% वापस आ गए। हत्या और ये साढ़े गले कटे जा रहे हैं, कितने सिलेंडर सी कितने बजा दिता, कितने पेट्रोल डीजल सी कितने बजा दिता, गरीबा नु कतल किया जाता है, जा रहा है गरीबा का, चूल्हे के रोटी खानी मुश्किल हो रही है गरीबा नु, गरीब नु खत्म करके फिर सरकार चलाएंगे। ये गरीबा दे हितकारी सरकार नहीं है, गरीबा दे अहित दी सरकार है। जो बीजेपी के बड़े बड़े लीडर है ना, हम जो हार बढ़ाया था इसका, उन्होंने बोला था फ्री सिलेंडर फ्री गैस, इसलिए हमें इसका अंतिम संस्कार कर दिया है। आम इंसान के साथ धोखा किया, जुमलेबाजी करके उनको गुमराह किया, गुमराह करने में ये कामयाब हैं, धोखेबाजी में ये कामयाब हैं, लेकिन आम इंसान की बेहतरी के लिए ये लोग नुकसानमंद हैं। लगातार परेशानियां जो हैं यहाँ पर इस समय बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। गैस सिलेंडर को यहाँ पर लाया गया है, लग रहा है कि गैस के दाम अब लगातार आपकी जेब के। मैम, गरीब आदमी का खाना बनाना चूल्हा चलना मुश्किल हो गया है। कांग्रेस के टाइम पे 300-400 का सिलेंडर मिलता था, आज 1000 से पार हो गया। आम जनता तो खत्म, गरीब तो खत्म हो जाएगा, बिजली पानी हर चीज प्राइवेट कर दी उन्होंने। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आया कि आपने ये क्यों डलवाया है। ये हार इसलिए लाया गया, जो बीजेपी के बड़े बड़े लीडर है ना, आम जो हार बढ़ाया था इसका, उन्होंने बोला था फ्री सिलेंडर फ्री गैस, इसलिए हमें इसका अंतिम संस्कार कर दिया है कि सिलेंडर घर पे तो चलेगा नहीं। आम जैसे पहले था कि लकड़ और चूल्हा चलता था, आम बंदा गरीब बंदा वही चलाएगा। लगता चूल्हे के दिन वापस आ गए, चूल्हे के दिन 100% वापस आ गए। ये तो घरों पे हार डाल के खड़ा रहेगा, इसका कोई मसला नहीं। अब सिर्फ और सिर्फ सिलेंडर रह गए हैं हार डालने के लिए, दिखाने के लिए कि हमारे घर में सिलेंडर है। वो एक होती ना कोई शो पीस, आज ये शो पीस की तरह बन के रह गया है, आम जनता को अब ये नजर आ रहा है। सिर्फ गैस की हालत नहीं है, बाइक को भी इसी तरह से लेकर जाया जा रहा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसको भी हार पहना दिए गए हैं। अब बाइक को हार पहनाने का मतलब क्या है, सिलेंडर को हार पहनाने का मतलब तो समझा दिया, पर ये बाइक को भी हार पहनाया गया है। क्यों? आने वाले दिनों में लोग मजबूर हो जाएंगे इनको भी त्यागने के लिए, क्योंकि पेट्रोल डीजल आम, ये पहली सरकार है जिसने पेट्रोल और डीजल में कहीं फर्क नहीं रखा, और पेट्रोल डीजल का फर्क नहीं है तो सीधा असर किसानों पे भी यहाँ पे पड़ता है और आम जनजीवन पे पड़ता है। और ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे जब बढ़ोतरी होगी तो खाने वाली चीजों पे भी, दाल हो सब्जी हो, उसमें भी बढ़ोतरी यहाँ पे होगी। क्या लग रहा है कि अब मोटरसाइकिल कहीं पे जाना है, मोटरसाइकिल को घसीट के लेकर चाहिए तो काम बन जाएगा? मोदी या तो मुमकिन है कि पैदल ही जाना पड़ेगा, लोगों को मजबूर किया जा रहा है। इलेक्शंस की मैं आपकी बताती हूँ, इलेक्शंस की बात हुई थी तो कहा जा रहा था कि इलेक्शंस के बाद जो भी परेशानियां है वो कम होगी, यहाँ पर तो परेशानियां बढ़ रही है। क्या लग रहा है कि इलेक्शंस होना भी अब यहाँ पर भी हालत यही आएगी? हमें लगता है कि यही हालत रहेगी। ये सरकार गरीबों के ऊपर और मार मार रही है, ये सरकार अमीरों की सरकार है, गरीबों का कोई मदद करने वाली नहीं। आज देखें कि पिछले जब 140 दिन के बाद कैसे पेट्रोल डीजल और गैस के दाम डे बाय डे ये बढ़ा रही है, ये आम पब्लिक को कोई रिलीफ देने वाली नहीं। अब जनता को जागना पड़ेगा और हम जैसे लोगों को, जनता को जागरूक करना पड़ेगा कि अब जागे और इस सरकार के खिलाफ उठ खड़ा हुए कि जो इन्होंने पिछले 7 वर्ष से 8 वर्ष से जो महंगाई की मार मर रहे हैं, अगर इनको भगाएंगे नहीं जब तक कांग्रेस की सरकार सत्ता में नहीं आएगी, गरीब आदमी का कभी भला नहीं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब चूल्हा जो है वो आप भी जलाना पड़ेगा, पर यहाँ पर बात ये हो रही है कि हमने उज्ज्वला योजना के तहत फ्री सिलेंडर दिए, पर फ्री सिलेंडर देने के बाद भी आज सिलेंडर को हार पड़ रहे हैं। सिलेंडर के लिए इन्होंने आदमी तो महंगाई को तो कम मारा नहीं, कम नहीं किया, गरीब आदमी को मार दिया, इसलिए आज कितने आप दो यूपीए सरकार में 350-400 रुपए का सिलेंडर था। मनमोहन सिंह जी के दिन की लोग अच्छी उम्मीद करते हैं कि ये बुरे दिन, तानाशाही वाले दिन की जरूरत नहीं, सस्ते दिन की जरूरत है, और तभी होगा जब यहाँ का यह बदलाव यहाँ पे आएगा, गरीब आदमी का चूल्हा जल पाएगा। उज्ज्वल की स्कीम अब कहीं पे भी स्कीम दिखाई नहीं देती कि महंगा सिलेंडर तो दिया लेकिन उसमें गैस भरने वाले की कीमतों में इतनी बढ़ोतरी होगी कि लोगों का चूल्हा जलना मुश्किल होगा। ऑपरेटर है आपके हर जगह पर, अब यहाँ पर लोगों को यही कहेंगे कि आप घसीट घसीट के लेके जाइए, पेट्रोल बच जाएगा। क्या होगा, देखो ना आपके सामने ही है पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, अभी डेली 80 पैसे 90 पैसे 70 पैसे बढ़ रहा है। अगर ऐसा बढ़ता रहा तो लोग कैसे पेट्रोल और डीजल से काम चलाएंगे, डीजल से सारा सामान आता है उस पर भी बढ़ेगा दाम, तो इसलिए महंगाई जो है तेज़ी से बढ़ रही है। तो हम यही इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि इस महंगाई को रोकने के लिए हम लोगों को जागरूक करेंगे, अगर फिर भी नहीं रुकी तो इससे ज़्यादा पैमाने पर भी हम इकट्ठे होंगे। शराब की दुकानें खोलना इनके लिए ज़रूर था, ये यहाँ से लूट खसूट करने वाले ये लोग हैं।
शराबों की दुकानें, हर चीज़ में बढ़ोतरी, रेत और हर एक चीज़ में बाहर के लोग इसको देख के हमारे रिसोर्सेज को ले जा रहे हैं। तो इसकी कड़ी है कि महंगाई की मार को झेलते हुए गरीब आम जब पिसता चला जा रहा है उसकी आवाज़ को बुलंद कर। मंदिरों के शहर को शराब के ठेकों के शहर में बदल दिया, अब दुकानों पर दुकानें शराब पर जोर रखा हुआ है। यही काम कर रहे हैं कि इनकी झोली में पैसे कैसे आए, वही काम करते हैं। और लोग कहाँ जाएं, लोगों को कितनी तकलीफ हो इनके बारे में ये कुछ इनको पता नहीं। लूट कसूर है जी, लूट कसूर, लोगों गरीबों को लुटाया जा रहा है सर। ये चोरी डकैती डकैतों की सरकार है, ये कोई सरकार नहीं है, अभी ये दुश्मन शाहूकारों की सरकार है। गरीबों का कतलेआम हो रहा है सर, की करते पे हो तुम? मीडिया वाले हो, प्रोजेक्ट करो, हत्या हो रही है, साढ़े गले कटे जा रहे हैं। कितने सिलेंडर से कितने बजा दिता, कितने पेट्रोल डीजल से कितने बजा दिता, गरीबों को कतल किया जाता है, जा रहा है गरीबों का चूल्हे के रोटी खानी मुश्किल हो रही है गरीबों को। गरीब न खत्म करके फिर ये सरकार चलाएंगे, ये गरीबों के हितकारी सरकार नहीं है, गरीबों के अहित की सरकार है। ऐसे बंद सरकार सानू नहीं चाहिए जी, असं इन्हों पुट के सह लेना है। लग रहा है कि हूँ आने वाले दिन अच्छे दिन आने, गलत यही होगी कि अच्छे दिन आने वाले ने, ये अच्छे दिन कोई आने वाली। बेसिकली ये क्या है, ये धोखेबाज लोग, ये धोखेबाज पार्टी है, इनका कोई विश्वास करने वाला एक टाइम आएगा कोई विश्वास नहीं करेगा। मौका मिलता है, भगवान मौका देता है सबको, लेकिन ये लोग वो हैं कि जिन्होंने आम इंसान के साथ धोखा किया, जुमलेबाजी करके उनको गुमराह किया। गुमराह करने में ये कामयाब हैं, धोखेबाजी में ये कामयाब हैं, लेकिन आम इंसान की बेहतरी के लिए ये लोग नुकसानमंद हैं और देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। ये लोग क्यों नुकसान है, क्योंकि उन्होंने आम इंसान को कम्युनलाइज करके, एक हिंदू मुस्लिम करके, मंदिर मस्जिद करके, और गरीब के लिए उन्होंने कुछ नहीं सोचा, यूथ के लिए कुछ नहीं सोचा, एम्प्लॉयज को गिन गया। हमारी स्टेट थी अच्छी वाली, परिपूर्ण स्टेट थी, उसको यूटी में चेंज करके क्या आज हमारे जम्मू की क्या हाल है, क्या इनके पास 370 का, मुझे हमें ये बताएं कि इनको मिला क्या। अगर मिला तो बता दें हमें, हम इनसे आप स्वागत करेंगे, लेकिन कुछ नहीं मिला, नथिंग इज हेयर। यहाँ पर क्या है, सिर्फ टोटली अनएम्प्लॉयमेंट, टोटली अनबियरेबल सिचुएशन है यहाँ पर, और लोग गुमराह हैं, लोग गुमराह हैं, और लोग जिस दिन पब्लिक समझ गई इनको कोई रास्ता नहीं दिखाने वाला। एक समय आएगा परेशानियां लगातार आम जनता की बढ़ जाएंगी, और सबसे बड़ी बात ये है अब महंगाई की मार कितनी और बढ़ सकती है, कितनी और लोग परेशान होंगे। क्या यही कहा जा रहा है कि गरीब को लगातार मारा जा रहा है, गरीब को ही खत्म किया जा रहा है? बात हुई थी गरीबी को खत्म करने की, आज गरीब मर रहा है, इस तरह की बातें यहाँ पर लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि असल में ऐसा हो रहा है। अपनी राय आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ, मुझे और वही जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।